चार महीने बनाए तो एजाज जा रहा है घर और हम आ गए हैं आपका कसौड़ा में। अभी वहाँ से आपका जो आलम सवारी सब कुछ है वो आएगा कसौड़े में, फिर यहाँ से जाएगा भैया रानी बस यहाँ पे। और हम आ गए हैं कसौड़े में और माशाल्लाह से इतना अच्छा मजमा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे खड़े हैं हमारे दोस्त, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं काफ़ी देर से। आपका क्या नाम है आपका? सारी वीडियोस देखती हैं? चलो बहुत बढ़िया है। ये सारे और जो मेरी वीडियो इसलिए मोस्टली रहती है वो बच्चों के लिए ज़्यादातर रहती है फनी वे में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं हमारे मोदाह के स्पेशल बच्चे, और ये सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं। और बच्चे के साथ साथ पीछे बड़े भी झांक रहे हैं क्योंकि वो भी वीडियोस देखते हैं। और मुझे कसौड़े की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि भाई इतना अच्छा इंतज़ाम, पूरी लाइटिंग इतनी अच्छी इंतज़ाम कर रखी है कि मैं क्या बताऊँ। और
और अभी सैफी आ रहे हैं, सैफी साहब को मिला रहे हैं और भैया आने के लिए पूरा जो मजा है वो हो चुका है। जैसा भी है ये फाइनली मौसमी शील दी हमारे लग रहा है कैमरा में देखिए तो मैं कही दियो कि हाँ हाँ ले ले आपके दो ले लो भाई पूरा मजमा निकल गया है। ये मौसमी कहा कि हम भी निकलते हैं और वहाँ पे मिलेंगे आपका आशीष से। तो पूरा मजमा भुइयां रानी पहुँच चुका है और वहाँ पे बर्तन लुटाए जाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि इस बार भी लुटाए जाएंगे या नहीं लुटाए जाएंगे, तो उसी के लिए हमें स्टेज पे जाना। हमारे ये धन्ना भैया हैं जिनकी हमने वीडियो बनाई थी और उनकी तरफ से ये ठंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑलमोस्ट जब हमारे बचपन के दोस्त हैं से 12 महीने का हजरत मौसमी खा लो मैं हर चीज शिद्दत से करता हूँ भैया वाली कोल्ड ड्रिंक मुझे भी पिला। और ये आपको कसौड़े के जब दोनों तरफ सारे बल्ब हैं, लाइटिंग है, बहुत प्यारी लाइटिंग है माशा, बहुत ज्यादा थी। तो हम दूसरी तरफ से भुइयां रानी आ गए हैं लेकिन यहाँ से भी रास्ता बंद था और हमारा माइक थोड़ा थोड़ा हमारा साथ छोड़ रहा है और ये सारे हमारे चाहने वाले अल्लाह का शुक्र है, बहुत इज्जत अल्लाह ने बख्शी है। और यहाँ आ गए हैं आसिफ अपने घर ले जाने के लिए। तो आसिफ हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई आइए चलिए। तो ये हमारे इरफान दोस्त और ये आपका आसिफ है भाई। बकरी के अंदर बकरी बकरी के अंदर बकरी माशाल्लाह से काफ़ी स्टार्ट से एंड तक। तो हम आए आसिफ के घर पे और आसिफ के घर पे ये खातिरदारी हो रही है। हमने कहा अभी पानी तो पी लिया हमने, थोड़ा सा उसका आनंद लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अरे कोई नहीं, तो आसिफ क्या है एंड ये आपकी आसिफ की सिस्टर जो कि लाइट थोड़ा सा कम है करते हैं आसिफ लाइट। बढ़िया होता लंगर का मजा ले रहे हैं, बिरयानी का मजा ले रहे हैं। चार चार दो मिले खाओ, चाहे पाली जी की बिस्कुट मिले खाते रहो। तो ये हमारे जान के चचा साहब और हम आगे राव चौधरी साहब के घर पे और ये हमारे गड्डी भाई और ये हमारे सनी भाई शर्मा रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये हमारे सूबे के चेयरमैन माननीय श्री श्रीनाथ जी और फिरजा मोहम्मद साहब और बता रहे हैं कि भाई मौदा हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छे से ताजे निकल रहे हैं। हमारा माइक धोखा दे गया इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह से। लाइट जाए आए लेकिन आपको रोशनी मिलेगी जहाँ जहाँ भी जुलूस जा रहा है। तो यहाँ पे और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई ये इनका नाम श्रीनाथ है या और कुछ है, तो हमने कहा श्रीनाथ के नाम से जाने जा रहे हैं और फिरजा मोहम्मद दोनों ही नाम है और नाम में कुछ ऐसा नहीं क्योंकि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर आ गई कोल्ड ड्रिंक, तो भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लेकिन मेरा गला ख़राब हो गया है। और ये हमारे उमराव चौधरी साहब और इन्होंने कहा कि आप हमारे भतीजे हो तो रिश्ते हमारे हर जगह निकल आते हैं, शायद भाई के लिए कोल्ड ड्रिंक ये माशाल्लाह से। और हमारे लकी भाई और हमारे सलमान भाई हमारे क्लासमेट और हमने कहा लकी भाई यू आर अ हेयर मैन ऑफ मौदा, भाई हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी माशाल्लाह से मिले। इसके बाद हमारे एक और दोस्त है उनसे भी मुलाकात हुई और यहाँ पे शायद हमसे बहुत ज़्यादा जरिया गया, गुस्सा हो गया कि कह रहे कि तुम हर जगह रुक जाते हो, मुझे परेशान कर रहे हो। तो भाई अब क्या करें, मेरे चाहने वाले इतने सारे मिल रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है।
भाई अरे कोई नहीं खा लिए तो भरी बस बस अब यहाँ से हम जाएंगे घर, शायद जाएंगे अपने घर और आसिफ से बोल दिया कि आसिफ हमको छोड़ दो तो आसिफ देखते हैं। अच्छा चलिए खैरियत से, चलिए बहुत बहुत जय माता दी भाई। कल चाय कर बे। अच्छा कल चाय होगा तो क्या बोलते हैं आपका, आसिफ मिल गए हैं और शाहिद कहाँ गए? शाहिद बात शाहिद थोड़ा पहले आज लुच कर लिया सही आज वही लंगर नहीं मिला है हमको, बहुत भीड़ थी, हमने कोशिश करी लेने की लेकिन बेतहाशा भीड़ थी। आपको हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं मैं आपको लंगर बिल्कुल खिलाऊंगा, चलिए थोड़ा देर वेट करिए बस। नहीं आप निकल रहे हैं क्योंकि पेट भी भरा है, दो प्लेट चीज खा के आए हैं। चलिए शाहिद 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 सो भाई अभी जो पूरा मजमा है वो पूरा आपका जो पलंग है वो है आपका भुइयां रानी। तो इस बार हम पलंग आपका भुइयां रानी तक देखेंगे। अम्मी भी हमारी अकेले है, बच्ची आई हुई है, तो बस आसिफ है और ये आसिफ गाड़ी निकाल रहा है। तो हमने कहा आसिफ हम तभी आएंगे यहाँ तक जब आप हमें वादा करेंगे हमें घर तक ड्रॉप कर देंगे। तो आसिफ अपना गाड़ी निकाल के ड्रॉप कर रहा है तो मेरा जो जाने का जो टेंशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह जो तो ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा सतही का व्लॉग था, पार्ट दो में आया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जो अठाई का व्लॉग आएगा वो एक ही होगा, उसके बाद फिर नवाई है इंदसाई। तो ये जो पूरी सीरीज़ है ज़रूर देखें, एंड जितने भी हमारे मौदा की जनता हमारे मौदा से बाहर जो नहीं आ पाई किसी वजह से स्पेशली, और जितनी भी मेरी ऑडियंस है उनके लिए है, तो बस सपोर्ट करें एंड शेयर करें। एंड अगर व्लॉग में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो मुझे बताएं, एंड मेरे रील कैसे लग रहे हैं वो भी देखें। तो बस मेरा चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको भाई इंस्टाग्राम पे भी नीचे रही आईडी अकबर अहमद 83, वहाँ पे भी जाए बहुत अमेजिंग कंटेंट डालता हूँ। थैंक यू आसिफ एंड शाहिद उधर है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का हम यहीं पैन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बेटे के सबक है, अल्लाह हाफिज़।